बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने आज ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने एक बार फिर बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए अपना एक वीडियो जारी किया है। साथ ही कहा है कि अधनी महंगाई तीन वजहों से असहनीय है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के गिरते दाम। दूसरा, केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स के नाम पर डकैती। और तीसरा, इस डकैती से दो से तीन उद्योगपतियों का मुनाफा। भाई और बहनों, ये जो आपका पैसा आपकी जेब से निकाला जा रहा है, ये आपको वापस नहीं मिलता। आपके बच्चों की शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में ये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये पैसा सरकार चुने हुए दो तीन सबसे बड़े उद्योगपतियों को देता है। नुकसान आपको होता है। कोरोना में सबसे ज्यादा चोट आपको लगी, मध्यम वर्ग के लोगों को लगी, छोटे दुकानदारों को, मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को लगी। पूरा का पूरा फायदा दो तीन उद्योगपतियों को। सरकार को पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करने पड़ेंगे और एकदम कम करने पड़ेंगे। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और राहुल गांधी खुलेआम इसका विरोध कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।